दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है प्रॉपर्टी खरीदार आपसे कुछ चीज़ें बोले वो नहीं माननी चाहिए या कुछ डिमांड करे वो नहीं माननी चाहिए। क्या होता है कि कई बार सेलर की वजह से दिक्कत होती है, कई बार खरीदार की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 से 7 बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए प्रॉपर्टी बेचने वाले को। यदि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें खरीदार कुछ चीजें शर्तें डालता है या क्या सावधानी रखें, तो इन चीजों पे फोकस करते हैं। बेचने वाले को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसमें आपका किराएदार है और आपने उसका किरायानामा बना रखा है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, कोई जानकार मिलता है तो उसको एज इट इज दे देते हैं, बोले ये किराएदार है आप आगे से रखिए, और वो क्या करता है वो किरायानामा आपसे भी हो रखा होता है दूसरे से भी कर लेता है। अब उसमें कोई किंतु परंतु होता है या कोई केस होता है तो सेलर फंसता है, क्योंकि सेलर ने किरायानामा कर रखा था, उस किरायानामे को कैंसिल करवाना रहता है नोटरी करवा के या उस किरायानामे को लेके और रजिस्ट्रार ऑफिस में कैंसिल कराना चाहिए यदि आपका रजिस्टर्ड किरायानामा है। तो ये ध्यान जरूर रखें, ये गलती नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े केस हो जाते हैं कई बार, या किराएदार ने कुछ बड़ा घपला कर दिया हो तो जो बायर है वो आप पे केस कर सकता है। सेकेंड जो चीज है वो ये है कि आप पेमेंट ले रहे हैं, कोई टोकन मनी ले रहे हैं, बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट के बिना पेमेंट नहीं ले। क्यों, क्या होता है एग्रीमेंट में शर्तें तय हो जाती है, मौखिक शर्तों के आधार पर पेमेंट नहीं लेना चाहिए। क्या होता है मौखिक में आदमी पलट जाता है या कुछ भी कर सकता है, समय बढ़ा सकता है, बोला मैंने तो इतना समय बोला था, तो लिखित में होना चाहिए। एग्रीमेंट होने के साथ में शर्तें तय करें और उसके बाद में आप पेमेंट लें। इसके अलावा एक चीज और आती है, कई बार क्या होता है कि एक साथ पेमेंट दे देता है और बोले कब्जा दे दो, तो ये तो गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि एक साथ पेमेंट ले लिया और आपने उसको पजेशन दे दिया। मेन जो मुद्दा होता है पजेशन का ही होता है, आपको रजिस्ट्री के बाद में या सेल डीड बोलते हैं उसके बाद में ही पजेशन देना चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें तो रजिस्ट्री वाले दिन मान लीजिए आपको चेक दे रहा है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या होता है कई बार पेमेंट बायर जो है जो आपको पहले दे देता है तब तो ठीक है, आपका जो केस का पेमेंट है या जो आपका रजिस्ट्री अमाउंट है या जो बैंक से लोन है, यदि लोन का भी हो रखा है तो उसका डीडी की कॉपी लेनी चाहिए। यदि नहीं है रजिस्ट्री वाले दिन चेक नहीं ले, क्यों, कई बार लोग बोलते हैं कि चेक ले लीजिए आप रजिस्ट्री में मेंशन होगा उसके बाद में आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा देते हैं, तो आपको टेंशन लेने का ही नहीं है, टेंशन लेने का ही नहीं मतलब, क्योंकि आप यदि बाद में कैंसिल कराएंगे कोर्ट जाएंगे, उससे बढ़िया यह है कि आप पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर ले। डीडी में भी कई बार टेक्निकली वजह से दिक्कत हो सकती है लेकिन ऑनलाइन आप नेफ्ट करवा सकते हैं, आईएमपीएस करवा सकते हैं, जिस भी तरीके से आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है वो तरीका आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत बड़ी दिक्कतें होती है, कई बार रजिस्ट्री कैंसिल होने में समय लग जाता है या कई किंतु परंतु आ जाती है, तो ये ध्यान जरूर रखें। और पेमेंट देने के बाद ही कब्जा दे, ये हमेशा ध्यान रखें। कई बार गलती यही करते हैं आदमी, क्या होता है पेमेंट देखता है या उसको जरूरत होती है तो आदमी उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, कई बार ऐसे में फंस जाते हैं, वो बायर था क्या था क्या मैटर था, उसमें कई कारण हो जाते हैं, तो उन कारणों में अपने को नहीं जाना है, अपने को जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए। इसके अलावा बायर टीडीएस काटता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो रजिस्ट्री है सेल डीड में जो अमाउंट डाल रहे हैं आप वो 50 लाख से ऊपर है तो आपको 1% टीडीएस बायर काटता है सेलर का, और वो सेलर को जो पैसे देते हैं उसमें से कम करता है। तो टीडीएस हमेशा रजिस्ट्री से पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए, जो इनकम टैक्स की धारा है 26QS इनकम टैक्स की साइट पे जाके जमा कराना रहता है, और उसका चालान की रिसिप्ट आप लें उसके बाद ही रजिस्ट्री कराएं, उससे पहले रजिस्ट्री नहीं करवानी चाहिए आपको। इसके अलावा यदि बात कर रहे हैं रजिस्ट्री बायर मान लीजिए रजिस्ट्री कराने से मना कर रहा है या उसके पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो रही है, आपका मान लीजिए एग्रीमेंट 60 दिन का था, 50 दिन का था या जो भी था 90 दिन का था, और वो समय निकलने के बाद में बोलता है मेरे को 15 दिन और दे दीजिए, मौखिक बातों पे नहीं जाए। यदि आपको उसको और समय चाहिए तो ये लिखित में ले, एक दूसरे एक स्टाम्प पेपर पे आपको लिखा के लेना चाहिए, कल को पलट सकता साहब मैं तो इनको पैसे दे रहा था इन्होंने लिया नहीं और अब ये मेरे रजिस्ट्री नहीं करा रहे, कई कुछ कारण हो सकते हैं, तो उन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए अपने को, ये चीजों पे ध्यान रखना चाहिए।
वो यदि पेमेंट में डिले हो रहा है तो आपको लिखित में लेना चाहिए, 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा के ले लेना चाहिए, और किस कारण से नहीं हो पा रहा वो भी ध्यान दे। कई बार कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के डिले करते हैं, तो वो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, कई बार खरीदार असली नहीं होता है, खरीदार कई बार फर्जी हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वाला हो सकता है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है, या और कोई दूसरा रिश्तेदार जानकार हो सकता है, तो ये चीज का ध्यान जरूर रखें। सेकंड चीज, पेमेंट आप जब ले रहे हैं तो जो बायर है उसी के अकाउंट से लें। अधिकतर क्या करते हैं, कई बार वो भाई के अकाउंट से दिलवा देते हैं या और किसी के अकाउंट से दिला देते, तो ये ध्यान रखें वो पैसा आपसे वापस ले सकते हैं। क्या होता है, चेक से जो पैसा आपको आता है उस पर कभी भी केस के थ्रू ले सकते हैं, तो पेमेंट हमेशा आप उसी के अकाउंट से ले जिसके नाम से रजिस्ट्री हो रही है। हस्बैंड वाइफ का कई बार चल जाता है, फिर भी उसमें ध्यान रखें वो हस्बैंड वाइफ है कि नहीं है, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स से प्रूफ होना चाहिए, और दोनों के जिसके भी अकाउंट से पेमेंट आ रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पहले लेना चाहिए। गलती यही करते हैं आदमी, डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, पेमेंट आता दिखता है ना, तो आदमी हर आदमी उस टाइम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता या ज़्यादा विचार नहीं करता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी बेचते हैं तब ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, बेचने के बाद कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, सेलर को भी हो सकती है, बायर को भी हो सकती है। तो सेलर के साइड से इन 5 से 7 पॉइंटों पर आपको फोकस करना चाहिए, इन पर ध्यान रखना चाहिए, तो अपन भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं, भविष्य में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों इसी तरह से आप समय बनाए रखें, और वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी तरह से आप समय बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें, और हमेशा मस्त रहें।